हेलो एवरीवन सो गायर आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अपन कंसेप्ट वीडियो में वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नमेरिकल है हमारे अकाउंट्स का ठीक है सो so, अकाउंट्स का जो मेन इंपॉर्टेंट हम नमेरिकल करने जा रहे हैं बेसिकली इसमें से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है एक आपने तो देखोगा कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और ब्रेक इवन पॉइंट हम मान के चलते हैं कि यार सबसे ईजिएस्ट टॉपिक है जो हम करते हैं बट एक्चुअल में Point का किस तरह से आपको वो क्वेश्चन पूछा गया है अब हम वो आपके लिए डिस्कस करने जा रहे हैं सो नुमरिकल क्वेश्चन है उसका ये most important count का है। है अब इस पे आपको ये ध्यान में पढ़ना है कि वो क्या पूछना जा रहे हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है अब देखिए, ए बी लिमिटेड की कैबिनेट बनाती है फॉर द करंट ईयर कंपनी एक्सपेक्ट टू सेल कितने क्वांटिटी के कोशिश सोच रही है फोर थाउजेंड की कहते हैं लॉस उनको यहाँ पे एक लॉस हो रहा है टू लैख का कहते सिर्फ चालीस परसेंट ऑफ द प्लांट नॉर्मल प्रॉपर वे में इस करंट ईयर में चालीस परसेंट प्लांट नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं आपको यहाँ पे यू नो फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है कितनी टेन लैख रुपीज ओके okay. वेरिएबल कॉस्ट अब आपका देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट आपको बोला गया है सिक्सटी परसेंट ऑफ द सेल्स वैल्यू अब भाई सिक्सटी परसेंट सेल वैल्यू कितनी है क्या हमें वो यहाँ पे पता है नहीं क्यों हमें इतना पता है कि सिक्सटी परसेंट में चार हजार यूनिट्स हैं किस प्राइस पे हैं वो अब हमें नहीं पता है तो हमारा सबसे पहले काम क्या है इस पी को कैलकुलेट करना है अब उस पी को कैसे कैलकुलेट करें लेट्स टू हम पी को कैलकुलेट करने के लिए ऐसी कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे जिससे हमें पी प्राइस कैलकुलेशन हो जाएगी देखो चार हजार के लिए आपको पता है कि पी यूनिट्स है तो यहाँ पे इतना पता है कि फ़िक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट माइनस जो आपका लॉस हुआ है इसके इक्वल आई तो चार हज़ार फोर थाउजेंड पी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितना है यू नो वेरी वेल दैट इज अ टेन लैख प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना है ये रहा ये जो पूरी इक्वेशन है हमारी वेरिएबल कॉस्ट है क्या करूँ जीरो क्या मैं इसको सिक्सटी परसेंट को पॉइंट सिक्सटी लिख देती हूँ इन टू फोर थाउजेंड पी आ गया ठीक है और माइनस कर दीजिए जो आपका टू लैख का लॉस हुआ है तो इस इक्वेशन को ओवरऑल जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास पी आ जाएगा रुपीज फाइव हंड्रेड अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया जी मेन पी पार्ट आ गया है प्राइस आपको निकली गई है फाइव हंड्रेड रुपीज आपकी प्राइस है ना अब हमने ओरिजिनल क्वांटिटी के बारे में बात करनी है कि ओरिजिनल कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्ट टू सेल लिखा गया है बस अब हमें यहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड रुपीज है अब हमने क्वांटिटी निकालनी है भाई अब यहाँ पे इक्वेशन क्या है कि पांच सौ जो प्राइस है कितनी क्वांटिटी के लिए थी एंड उसके लिए आपको क्या करना है अगेन आपको पता है, मतलब है किसका, आप, कितनी आपकी सेल्स वैल्यू है अब सेल्स वैल्यू कितनी है पांच सौ प्राइस है कितनी क्वांटिटी के लिए अब हमें वो नहीं पता पहली क्वेश्चन हमें जो एक्सपेक्ट थी उसके बेस पर हमने प्राइस निकाला एंड इसके बेस पे हम ओरिजिनल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं सो so बस जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए टेन ले प्लस फाइव सिक्स थर्टी या थ्री हंड्रेड क्यू हमारा ये आ जाएगा तो फाइव हंड्रेड क्यू माइनस थ्री हंड्रेड क्यू इज इक्वल टू टेन ले जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे आपकी क्वांटिटी आ जाएगी फाइव थाउजेंड यूनिट्स के बारे में आ जाएगी बस अब क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द ब्रेकिविंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यू सेल्स वैल्यू में आपको क्या करना है पाँच हजार क्वान्टिटी हमने निकाली यूनिट्स प्रोड्यूस करे जा रहे हैं ठीक है कितने पांच सौ रुपए के हिसाब से तो मतलब आपका ओवरऑल यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा जी ए ऑप्शन आएगा सो ट्वेंटी फाइव लैख इज योर करेक्ट आंसर सो बस यही था एक छोटा सा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट जो कहने को तो हमें बोला था ब्रेक इवन बहुत ईजी है बट किस तरह वो आपको घुमा के पूछ सकते हैं वो आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट था अब हमें अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है आई होप आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे सो ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू